नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में नंगल के गांव रायपुर निवासी आलम खान और आसिफ खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के उपरांत दोनों को अदालत में पेश किया, जहां माननीय न्यायाधीश महोदय ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए। बता दें कि गांव रायपुर निवासी रजिंदर सिंह ने दोनों भाइयों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत नंगल पुलिस के पास की थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दोनों भाइयों ने रजिंदर सिंह के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए क्या कहा, पहले जे सुने। अपने बयान दे जी कार्रवाई अस भी करा, असं अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैठे सू बहों कुंडी ला दी है, साड़ी एप्लीकेशन सू ना रिसीव दी, अपने हाथ से फड़ ली है। शिकायत देना आए थे? हाँ जी, शिकायत देना आए। धक्का होया तुहाडे नाल किस तरह? हाँ जी, धक्का होया। किस चीज़ की शिकायत सी? साढ़े जबरदस्ती साढ़े साड़ी जमीन च जैदा मलकीत च जबरदस्ती माइनिंग कर रहे हैं। दो पहली तरीक नूं असीं कंप्लेंट की सी माइनिंग एस डी ओ नूं, वो आए सी, दो तरीक नूं मौका दे गए सी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोरी चोरी साढ़ा पत्थर चक रहे, चोरी साड़ी जमीन खड्डे पा रहे हैं, ठीक है जी, साड़ी जमीन बर्बाद हो रही है। ते कौन कौन थोड़े केड़े केड़े नाम लाते परिवार दे? हां जी, मेरे ब्रदर नाल मेरे ते परसे लेडीज ते भी है? कोई कोई सुनवाई नहीं जी, साडी कोई सुनवाई नहीं हो जी। जेड़ा ट्रैक्टर फटका खड़ा है उठ खड़ा है। उधर दोनों आरोपियों के वकील एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने दोनों भाइयों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की पुष्टि करते हुए क्या कहा, जे भी सुने। रायपुर के सरपंच है, उन्होंने जेडे पति हैं आलम खान जी, तो उन्होंने भरा आसिफ खान, तो इन्होंने नंगल पुलिस वालों परचा दर्ज किया गया। ये जो राजनीतिक बदले की भावना लिए किया गया, क्योंकि जेडे साडे सरपंच साहब हैं वह कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते, ये आलम खान तो इन्हों जे ब्रदर आसिफ खान है, इन्होंने अपनी जमीन के इन्हों की पिछले दिन ही माइनिंग हो रही थी, तो एक पिंड के वासी के खिलाफ इन्होंने दिता पुलिस को, माइनिंग डिपार्टमेंट को लिख के एप्लीकेशन दी कि ये माइनिंग रोकया जाए। उल्टा माइनिंग रोकने की बजाय जिहड़ा पुलिस ने इन्हों जान बुझ के पोलीटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स करते हुए ये राजनीतिक आम आदमी पार्टी के दबाव नाल ये परचा दर्ज किया, अज मानयोग अदालत के निधि सैनी जी की पेश किया गया दोनों, तो उन्होंने अज जुडिशल रिमांड के भेज दिता गया। ये जी बड़ी मतलब कि पुलिस ने कोई धारा छड़ी नहीं, जी रह गई हो 341, 342, 295, 294, 365, 509, 506 आई पी सी की धारा ही लगाई गई, तो मतलब कि कहने का मतलब 8 के करीब आई पी सी के सैक्शन लगाए गए जो इंपोज किए गए ना, तो चलो कानूनी लड़ाई लड़ांगे, सानू कोर्टा से पूरा विश्वास है मानयोग अदालतों से, पर जी कि आम आदमी पार्टी वालों जी बदलाव की राजनीति कही जा रही थी कि असी बड़ा साफ सुथरा प्रशासन लैके आवेंगे, वो दिख रहा कि किस तरह धड़ाधड़ परचे दर्ज हो रहे। पहला इलाका संघर्ष समिति से परचा दर्ज हुआ, फिर वकील साहब से परचा दर्ज हुआ, हूँ सरपंच साहब के घर वाले परचा दर्ज हुआ, मतलब कि ये जो परचे की राजनीति इन्हों महंगी पाएगी आने वाले, तो जी इन्हों कहने का मतलब ये कानून अपना इन्हों रस्ता दिखाएगा, पर ये अपना निंदा करते, मतलब कि यह जे काम पार्टियों करने नहीं चाहिए। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।